हम लाए हैं आपके लिए जबरदस्त इंफोटेनमेंट चैनल साहिर उमर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका प्रेजेंटर उमर हसन साहिर और टैलेंट प्रोमोटर प्रोग्राम के साथ हाजिर। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है आपको बताता चलूँ। इस प्रोग्राम का मकसद है पाकिस्तान के छुपे हुए हीरे, जो पाकिस्तान के गुमनाम हीरे हैं, उनको उभरना, उनको उस मकाम तक पहुँचाना जिस मकाम पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुँच सके, जस्ट फॉर द कॉज ऑफ अनफेयर सर्कमस्टांसेस। तो ऐसे दो हीरे हमारे पास मौजूद हैं, दो मेहमान हमारे पास मौजूद हैं। एक बात आपको बताते चलो कि जितने भी लोग हमारे पास प्रोग्राम में आते हैं, उनको पहले हम ऑडिट करते हैं, उनको ऑडिशन लेते हैं, और उसके बाद अपनी कसौटी पर पूरा उतारने के बाद हम अपने प्रोग्राम में लाते हैं। तो ऐसे ही दो हीरे हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं दावत दूंगा और आई होप कि आपको पसंद आएंगे। और एक बात कहते चलो कि जो अब पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको उनकी आवाज़ पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको उस मकाम तक लाइए जिस मकाम तक वो नहीं पहुँच सके। और सबसे पहली बात यह है कि अगर वो इस काबिल हों तो फिर आप कॉन्टैक्ट। लेकिन आई होप कि जो भी हमारे पास आएगा उसमें वाकई इतना टैलेंट होगा कि वो टैलेंट से मामूर होगा, टैलेंट से भरपूर होगा। तो इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं उनको मैं इनवाइट करूंगा। जी शहरयार साहब, अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद दूसरे सिंगर हैं, वो भी बहुत ही प्यारे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हम उनको ऑडिशन लेते हैं और जो हमारी कसौटी पर पूरा उतरता है उसको हम बुलाते हैं। तो बहुत ही कम से थे, बड़े प्यारे से सिंगर हैं, तो उनको दावत दूंगा। जी तो तशरीफ लाते हैं ऐसा। जी ऐसा जी बैठे, तशरीफ रखें। जी शहरयार, सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा कि आपके शौक, गाने का शौक कब से है? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पर उठाया। इट्स माय प्लेजर। ये मेरी खुशी की बात होती है कि मैं पाकिस्तान के टैलेंट को अपने चैनल पर लाऊँ, उसको प्रमोट करूँ। तो जहाँ तक शौक का सवाल है तो बचपन से ही है। जी ऐसे साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये शौक कब से लगा? ये शौक वो सभी वाले शौक चाहिए। एक्चुअली मुझे ये शौक 5 से 6 साल पहले से हुआ था, क्योंकि तब मैंने गाना स्टार्ट किया, तो मुझे तब से है ये शौक चला। तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं अच्छे सिंगर बनना चाहता हूँ, तो मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं आप सिंगर नहीं बने, हमारी जो बरादरी है वो चीज़ अच्छा नहीं समझती और हम भी अच्छा ही नहीं चीज़। तो मेरी एक्चुअली ये जिद भी थी और मैंने सिंगर बनना था और मैं बनने की कोशिश भी कर रहा हूँ ताकि मैं सिंगर बन सकूँ। ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप यानी कि सिंगर नहीं बन सकते, आप कुरान हाफिज़ बने। तो मैंने पहले अपने माँ बाप की बात पर भी डाला, तो मैंने उनकी बात को जाहिर नहीं चाहिए दिया, तो मैंने उनकी बात पर आया। तो मैंने यानी कि फिर साल मैंने कुरान हाफिज़ को भी लगाया, तो मैंने फिर कुरान हाफिज़ किया पूरा मुकम्मल। अच्छा। उसके बाद जी थैंक यू। उसके बाद फिर मैंने अपनी सिंगिंग स्टार्ट की थी, तो मैं बीच बीच में से क्लासेस ज्वाइन करता, तो मैं सिंगिंग के पार्ट टाइम मैं फिर सिंगिंग करता। उसके बाद फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी फंक्शन में जाऊँ, फंक्शन अटेंड करूँ, कि मुझे कहीं पर चांस मिल सके, मैं कहीं पर जा सकूँ, या तो मुझे अप्लाई करें और मुझे कहीं पर आके आप यहाँ पर गाएँ। तो मैं आपका यानी कि बहुत यानी कि शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, स्पेशली आपका कि आपने हमें मौका दिया। कोई ऐसा मसला नहीं, ये तो हमारी खुशी होती है कि पाकिस्तान से, बिकॉज आई लव पाकिस्तान फ्रॉम द कोर। मैं यकीन करें कि मैं अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि कभी आप कोई एक काम दिन में एक काम ये सोच कर करें कि ये मैं पाकिस्तान में। और मैंने लाखों लोगों से सवाल किया, कभी किसी ने मुझे नहीं कहा कि मैं कोई पाकिस्तान के बहन को सोच कर काम करूँ, मैं रोज़ी को अर्थ कमा रहा। लेकिन अगर आप रोज़ी कमा रहे हैं और थोड़ा सा सिर्फ सोच रहे कि यार ये मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये मैं पाकिस्तान में, और मैं बिल्कुल
ये जो टैलेंट प्रमोटर हमारा प्रोग्राम, इसमें ये मुझे खुशी होती है, लोग आते हैं मेरे पास और जब लोग गाना गाते हैं और जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हमें चांस मिल गया, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो इट्स माई प्रेयर दैट यू आर हियर, आप यहाँ पर हैं और हमारे साथ हैं आपको। जी तो शहजाद साहब जो हैं वो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ, तो आप ये ना सोचें कि मैं पहले कह जा रहा हूँ। भाई सबसे पहले मैंने बात की है कि पहले हम जो भी सिंगर होता है, जो भी आर्टिस्ट होता है, उसका पहले ऑडिशन करते हैं और जब वो हमारी कसौटी पर पूरा उतरता है तो फिर हम उसको अपने प्रोग्राम में कॉल करते हैं और यहाँ पर उसको शामिल करते हैं। जी तो ये बिल्कुल हमारी कसौटी पर पूरे उतरे हुए, तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, मैंने इनको सुना बहुत मज़ा आया और आपको भी सुनवाता हूँ इनका गाना, बहुत प्यारी आवाज़ है। आई होप दैट यू लाइक दिस सिंगर। जी शहजाद साहब कोई अच्छा सा अपनी पसंद का गाना सुना आपकी जरूरत चाहूँगा। जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। इश्क की चिंगारियों को दिल हवा देने लगे, इश्क की चिंगारियों को दिल हवा देने लगे, गुम हुए जो
करना भी जरूरी था मोहब्बत। आपने इनके गाने सुने, यकीनन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट द पीपल हु लिसन दिस सॉन्ग, जिन्होंने इनके सॉन्ग सुने, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इनको कॉन्टैक्ट करें और इनको उस मुकाम तक पहुँचाएँ जिसके लिए ये डिजर्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share, and subscribe, and thanks for watching. Like, share, and subscribe my channel, and do not forget to press the bell icon, and never miss an update.